अब खबर बिलासपुर से है, जहां रेल मंडल ने नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 21 अगस्त से 62 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी ट्रेनें 29 अगस्त तक रद्द रहेंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता नेहा केशरवानी। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को एक बार और बड़ा झटका लगा है। इस वक्त मैं रायपुर स्टेशन में हूं और आपको जानकारी देते हुए बताएंगे कि 21 अगस्त से लॉन्ग रूट की 62 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसके बाद से यात्रियों की एक बार और परेशानियां बढ़ गई हैं। पहले से ही कई ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी था, जिसके बाद से रायपुर स्टेशनों में देखा जा रहा था कि लगातार यात्रियों की भीड़, इंतज़ार, ट्रेनों का इंतज़ार करना, रेलवे टिकट काउंटर में लोगों का इंतज़ार करना, लगातार इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी। और अभी जो है लॉन्ग रूट की ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। इन अगर हम जानकारी दें तो इसमें जो है लॉन्ग रूट में आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, इतवारी नागपुर एक्सप्रेस, हावड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मेल, लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस, हटिया से लेकर पुणे तक की जितनी भी जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं, दुरंतो, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, ये सारी जो ट्रेनें हैं वो रद्द चलेंगी। यात्रियों से भी बात करते हैं। सर, लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है, किस तरीके की परेशानियाँ होती हैं आप लोग? आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। जैसे अब मेरी ट्रेन शाम को थी, अब उसके लिए पूरी रात भर 12 घंटे मेरे को यहाँ इंतज़ार करना पड़ा, जब जाकर अब सुबह भी जो आ रही है वो भी लेट आ रही है ट्रेन में। ट्रेन के अंदर भी किस तरीके की भीड़ होती है काफ़ी ट्रेनें रद्द होने के कारण? ट्रेन के अंदर में ऐसी भीड़ होती है कि मतलब कि वहाँ बैठना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ खड़े होने के लिए ही जगह नहीं मिल पाती है और न अपना सामान ढंग से कैरी कर सकता बंदा, और चोरी होने का ज्यादा खतरा। लॉन्ग रूट में अगर आप सफर करते हैं तो लॉन्ग रूट की भी ट्रेनें अब रद्द चलेंगी 21 से 29 अगस्त तक, क्या कहेंगे इसको? यही है, मैं मान जा रही हूँ काफी परेशानी होती है, ड्यूटी पे समय पर नहीं पहुँच पाते हम, तो इसलिए बहुत वो होती है, आज लेट सेट हो जाते हैं ड्यूटी। लगातार ट्रेनों के रद्द चलने के कारण जो है ट्रेन के अंदर का माहौल है वो एकदम भेड़ बकरियों की तरह हो गया, ऐसा यात्रियों का कहना है। कैमरा पर्सन रेख राम देवांगन के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज 24 रायपुर। तो वहीं ट्रेनों के रद्द होने के बाद रायपुर में बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। रायपुर बस स्टेशन पर यात्रियों से बात की हमारी संवाददाता नेहा केशरवानी ने। तो आपको बता दें कि ट्रेन रद्द होने के बाद बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ देखी गई है। ट्रेन रद्द होने से यात्री जो है वो लगातार परेशान हैं, तो सफर के लिए बस का सहारा यहां पर यात्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद से लोगों को अब ट्रेन में सफर करना मुश्किल हो रहा है। और हम अभी रायपुर बस स्टेशन में है और यहाँ पर आप देखेंगे की यात्रियों की भीड़ बढ़ी है। रेलवे के लगातार ट्रेनों के रद्द होने के सिलसिले के कारण टिकट खरीदना और टिकट वापसी का झंझट से बचने के लिए भी लोग जो है अब वो बस से सफर करना पसंद कर रहे हैं। चाहे वो दूर जाना हो, हैदराबाद जाना हो या कहीं भी जाना हो, लोग जो है वो बस का सफर पसंद कर रहे हैं। यात्रियों से बात करेंगे। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? हैदराबाद जा रहा हूँ मैं। तो सर, ट्रेन का सफर क्यों नहीं लिया आप? ट्रेन का टिकट ना मिलने के कारण बहुत काफी वेटिंग है और समय समय से रद्द हो जा रहा है। जब जरूरत पड़े पब्लिक को तब तक ट्रेन का टिकट रद्द हो जाता है, ट्रेन उस रूट पे जाने के लिए, ये इसके चलते मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके चलते मैं बस पे सफर कर रहा हूँ। काफी समय से ट्रेन रद्द चल रही है, आप ट्रेन में सफर करते हैं किस तरीके का माहौल होता है? ट्रेन में तो बहुत ही गैदरिंग के माहौल ज्यादा होता है, काहे कि वहाँ सीट भी अवेलेबल नहीं रहता है, आदमी 20 दिन 25 दिन के बाद भी वेटिंग में कंटिन्यू रह रहा है ट्रेन का। तो ट्रेन रद्द होने के कारण 20 से 25 दिन का वेटिंग भी क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके कारण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और ट्रेन के बाद से अब जो है बस स्टेशनों में भी यात्रियों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। और इस तरीके से जो है लॉन्ग रूट के लिए भी लोग जो है यात्री जो है वो अब बस स्टेशन का सहारा ले रहे हैं, बस से सफर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रेख राम देवांगन के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज 24 रायपुर।